जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज चैनल ने एक वीडियो प्रसारित करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा किया। जहां हमने पूरे प्रदेश में सौहार्दपूर्ण तस्वीर देखी है, वहीं सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये देखिए हंगामा किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है सड़क पर नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। नीना, ये वीडियो चलाते हुए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, एबीपी गंगा, दैनिक जागरण, सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश, वीके न्यूज ने भी ऐसा ही दावा किया। न्यूज रूम पोस्ट के आशीष, नवभारत टाइम्स के एडिटर आलोक कुमार, जी न्यूज के पत्रकार शिवम प्रताप, सुदर्शन न्यूज के पत्रकार रजत मिश्रा और न्यूज नेशन के पत्रकार अमित चौधरी ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। तो क्या है इस वीडियो की सच्चाई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। इस मामले पर सहारनपुर पुलिस ने ट्वीट करते हुए एएसपी आकाश तोमर का ये बयान शेयर किया। आज सहारनपुर में हरी बाड़ी क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे, कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामक और असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। ईटीवी भारत उर्दू से जुड़े तस्लीम ने 28 अप्रैल को वक्फ जामा मस्जिद कला का लेटर है ट्वीट किया था। इस पर लिखा है कि 29 अप्रैल को अलविदा जुमे की नमाज सिर्फ मस्जिद के अंदर पढ़ी जाएगी, सड़कों और बाजारों में नहीं। इसलिए अलविदा जुमे की नमाज अपने मोहल्ले के मस्जिदों में करें। एक स्थानीय पत्रकार ने ऑल्ट न्यूज को जामा मस्जिद सहारनपुर के इमाम मोहम्मद अरशद गोरा का ये वीडियो भेजा। मैं मोहम्मद अरशद गोरा, इमाम जामा मस्जिद सहारनपुर, यूपी। सभी लोगों को मैं रमज़ान के अलविदा जुमे की मुबारकबाद देता हूँ। खुदा के फजल व करम से आज जामा मस्जिद में नमाज जुमा बड़े सुकून के साथ अदा की गई और उसके बाद नमाज के बाद लोग बाहर निकल रहे थे तो किसी कैमरे वाले ने कोई सवाल किया, जिस पर लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा कर उनको भेज दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन का निज़ाम अच्छा रहा, खुदा के फजल करम से कोई ऐसा कोई गलत खबर सुनने को नहीं मिली। अल्लाह के फजल करम से हम नौमान के साथ सब काम पूरा। ऑल्ट न्यूज ने मौके पर मौजूद एक पत्रकार से बात की। उन्होंने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर सहारनपुर की घटना को लेकर किया गया दावा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी सहारनपुर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बहुत भीड़ थी, लेकिन मस्जिद में इतनी जगह नहीं थी। नमाज का एक तय समय होता है, इसलिए मस्जिद कमेटी के लोगों ने बाहर खड़े लोगों से कहा कि जिन्हें मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिली है वो अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ ले। लोग भी बिना कोई आपत्ति जताए वापस चले गए, लेकिन कुछ चैनल के लोगों ने नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आने वाले लोगों से कुछ भड़काऊ सवाल पूछे, जिसके बाद नारेबाजी की गई। लेकिन पुलिस ने कुछ ही समय में मामला शांत कर दिया। यानी सहारनपुर में मुसलमानों ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देने को लेकर हंगामा नहीं किया, मीडिया संगठनों ने गलत दावे के साथ ये वीडियो चलाया।